One. So now let's understand this topic, that is few, a few, the few, little, a little, the little. सबसे पहली बात यह है कि few, a few, the few, ये आपके countable plural होते हैं, countable plural. और कभी भी अगर ये subject के रूप में आए, चाहे few ही आए, तो इनके साथ हमेशा plural verb का use करते हैं. दूसरी तरफ ये आपका little, a little, the little, ये आपके uncountable होते हैं. और अगर ये कभी भी सब्जेक्ट में आएंगे तो इनके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा. सबसे पहली बात हम इधर काउंटेबल प्लूरल को देखते हैं. फ्यू, फ्यू का अर्थ क्या होता है? फ्यू मीन्स ना के बराबर, इतना कम कि आप उसे रिकग्नाइज ना कर सकें, लेकिन है वो प्लूरल. जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे किसी ने बोला कि गिव मी योर बुक्स, या आपने किसी से बोला कि यार आई वॉन्ट योर बुक्स एंड आई हैव टू रीड इट, उसने जवाब दिया कि ओ आई एम सॉरी आई हैव फ्यू बुक्स टू शेयर विद यू, आई हैव फ्यू बुक्स टू शेयर विद यू, क्या कहना चाहता है वो? देगा आपको? नहीं देगा, मना कर रहा है वो. फ्यू बुक्स मीन्स ना कर रहा, इतना कम कि मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट? तो ये फ्यू आपकी जो मीनिंग देता है वो ना के बराबर मीनिंग देता है, ना के बराबर. या उसने बोला कि ओके आई कैन शेयर अ फ्यू बुक्स विद यू. अ फ्यू मीन्स कुछ करेगा वो, कुछ, सम. अब वो बहुत अच्छा दिल का दोस्त निकला, उसने बोला कि आई शेयर द फ्यू बुक्स आई हैव, जो भी मेरे पास है सब. द फ्यू मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है, कम है, लेकिन जो भी है मैं तुम्हारे साथ सब शेयर करूँगा. तो ये बात क्या हो गई? यही आपका द फ्यू हो गया. मीन्स पहले तो उसने मना कर दिया, नहीं मैं शेयर ही नहीं करूँगा फ्यू बुक्स. अ फ्यू मीन्स उसके पास 10 किताबें हैं तो वो दो तीन, एक नहीं दो से शुरू करेगा क्योंकि प्लूरल है, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तक शेयर कर सकते हैं. लेकिन अगर उसने बोला आई विल शेयर द फ्यू बुक्स आई हैव, मीन्स जो भी है सब. अगर उसके पास 10 बुक्स है तो 10 की 10 आपके साथ शेयर करेगा, 4 है तो 4 की 4 आपके साथ शेयर करेगा. तो यही आपका द फ्यू की बात होती है. द फ्यू मीन्स ऑल का कॉन्सेप्ट ये क्रिएट करता है. अब जैसे मान लीजिए इसके एरर कैसे आते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है. अब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कोई बात लिखी है आई हैव डैश बुक्स, तो फ्यू भी हो सकता है, अ फ्यू भी हो सकता है, द फ्यू हो सकता है, तीनों हो सकते हैं. मेरे पास ना बराबर किताबें हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास जो भी हैं सब है. लेकिन इस तरह से हम लोग एरर नहीं करते जब तक हम लोग देखते नहीं हैं. अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो फ्यू है, कुछ इंडिकेशन दे रहा है वो कि हाँ आगे पॉजिटिव है, फिर फ्यू लगा के रखा है तो हम उसको फ्यू का अफ्यू करते हैं. ऑल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अफ्यू लिखा हुआ है तो हम उसको हटा के द फ्यू करेंगे. इस तरह से इसके एरर्स क्रिएट होते हैं. देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है माई फ्रेंड गिव मी few books, reading them I obtained good marks, therefore I thanked him. अब ये देखिए इतनी सारी बात लिखी है A B C, इसमें बोला my friend gave me few books. फ्यू तो ना के बराबर किताब हो गई, लेकिन पूरा पढ़ के लग रहा है नहीं कुछ किताब दिया है उसको, क्योंकि तभी उसने अच्छे नंबर लाए, उसने पढ़ाई किया, रेटिंग देम प्लस उसको थैंक किया. मीन्स ना के बराबर तो नहीं हो सकता, कुछ होगा. तो हम लोग यहाँ पे जाके उसको एरर कर देते हैं कि हाँ ये एरर है. एरर फ्यू के स्थान पर अ फ्यू होगा. लेकिन कभी भी फ्यू का अफ्यू करने में अपने को जल्दबाजी नहीं करना है. क्यों? क्योंकि इसके नो एरर के भी एरर आते हैं. ऐसा भी एरर आता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं नो एरर हो. जैसे देखिए फ्यू मैन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स. इसमें आगे कोई ऐसी बात नहीं लिखी है, आगे कोई ऐसी चीज़ कंटिन्यू नहीं है कि हम यहाँ पे अफ्यू कर दें. अभी अगर आगे लिखा होता फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स एंड दे हैव बीन अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
or they are going to be awarded by the President of India this 15th of August. तब हम सोचते हैं हाँ वाकई में कुछ लोग हैं, लेकिन अभी सिर्फ सिंपल एक क्लॉज लिखा है, few men are free from first. क्योंकि अगर हर few को a few कर देंगे तो few की तो dignity ही खत्म हो जाएगी, few finish हो जाएगा हर जगह. तो हर जगह के few को a few नहीं करना है. जहाँ आगे कोई क्लॉज और आया है और उस क्लॉज में ऐसी कोई बात लिखी जिससे लग रहा है कि हाँ ये बात वाकई में ना के बराबर नहीं है, वाकई कुछ था वहाँ पर, तो उस जगह पे हम लोग फ्यू का फ्यू करेंगे. यहाँ पर हम लोग फ्यू का फ्यू नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हो गया फ्यू ना के बराबर. ऐसे लोग हैं जो गलतियों से परे हों. फ्यू मेन आर फ्री फ्रॉम फर्स्ट, तो आपका ओके है, बिल्कुल राइट है, नो एरर. तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा इसके, अब नो एरर के ये क्वेश्चन आते हैं. पहले जो क्वेश्चन आते थे वो सीधे था, फ्यू आया अब फ्यू करना है, फ्यू आ गया अब फ्यू कर दिया, फ्यू आया अब फ्यू. लेकिन अब ऐसा नहीं है, फ्यू आया तो नो एरर भी हो सकता है. तो आपने उसको रीड करके पूरा देखिए कि आगे का जो क्लॉज है वो ऐसा कह रहा है, पॉजिटिव बात ला रहा है कि नहीं ला रहा है. अगर आ रहा है तो फ्यू का फ्यू करिए, नहीं है तो नहीं करना है. यहाँ पे आ रहा था, आगे पढ़ के लग रहा था कि फ्यू का फ्यू करना है, वहाँ पूरा पढ़ा तो आगे कुछ था ही नहीं, तो हमने फ्यू का फ्यू ही रहने दिया. वो आपका नो एरर क्वेश्चन. वन मोर थिंग, पहले जो क्वेश्चंस आते थे फ्यू के उसमें सीधे था फ्यू का फ्यू करना था. फिर बीच में जो क्वेश्चन आया वो आ गया कि फ्यू दे दिया, अब फ्यू आपने किया तो आपका एरर हो गया, आपका खुद गलत हो गया, फ्यू को नो एरर था. फिर बीच में अब क्वेश्चन आने लगे हैं कि अ फ्यू है, अ फ्यू दिया हुआ है, वो हटा के अपने द फ्यू करना है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑल का काम से आया होगा. देखिए, माय फ्रेंड गिव मी अ फ्यू बुक्स सरप्राइजिंगली ऑल दैट ही हैड इन हिज एलमिरा दैट टाइम. अब बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ किताबें दी है, लेकिन आगे पढ़ के आपको लग रहा है ऑल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऑल का कॉन्सेप्ट. ऑल मीन्स सब दे दिया उसने, होल दे दिया, जितना था सब दे दिया, ऑल का कॉन्सेप्ट आ रहा है. तो फिर अ फ्यू नहीं होगा, क्या करेंगे आप? द फ्यू करेंगे. ये तीनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद कर लीजिए और ध्यान कर लीजिए. जो भी क्वेश्चन आएंगे फ्यू के वो इन्हीं पैटर्न पे ही आएंगे. कभी अगर सब्जेक्ट बना दिया तो चाहे फ्यू ही हो, लेकिन आपने प्लूरल का ही यूज़ करना है. चाहे ना के बराबर बात हो रही हो, लेकिन है वो प्लूरल ही, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है. तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एरर ए द फ्यू होगा, द फ्यू आपको रखना है. अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे तैयार कर लें. लिटिल जो आपका पोर्शन है, लिटिल भी बिल्कुल ऐसा ही है. लिटिल भी ना के बराबर अगर है तो आपका लिटिल का यूज़ करेंगे, अगर कुछ है उसमें तो फिर द लिटिल का यूज़ करेंगे, और अगर ऑल का कॉन्सेप्ट दे रहा है तो सॉरी अगर कुछ है तो आ लिटिल का यूज़ करेंगे, और ऑल का कॉन्सेप्ट दे रहा है तो द लिटिल का यूज़ करेंगे. चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से उसको सीख लेते हैं. इसका एरर नहीं आता है, लेकिन उसको समझना ज़रूरी होता है. सबसे पहली बात तो ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है ना. आई एम बिल्डिंग अ स्टोरी, वंस आई हैड डैश वाटर टू क्वेंच थर्स्ट, I went to my neighbor and asked for dash water. Since they were going somewhere, so they gave dash water they had. सबसे पहला आपका ना के बराबर पानी था उसके पास, तो आपने क्या किया, लिटिल कर दिया उसका, प्यास बुझाना. क्वेंच थर्स्ट, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, एक्सटिंग्विश वैसे आग बुझाना, नॉर्मल फायर को बुझाना वो एक्सटिंग्विश होता है. उसे देखिए एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, और
प्यास बुझाना वो आपका क्वेंच होता है, क्वेंच, थर्स्ट मतलब प्यास. आई वेंट टू माई नेबर एस फॉर, थोड़ा पानी मांगा होगा, एस फॉर अ लिटिल वाटर. दे वर गोइंग समवेयर सो दे गेव द लिटिल वाटर दे हैड. ठीक, वन मोर थिंग. लिटिल का प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरह से भी करते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, देर वॉज अ लिटिल बॉय, वह एक छोटा बच्चा था. तो इसके लिए भी हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं, राइट. जिसमें उसको सिर्फ ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की तरह से यूज़ होता है, जिसमें आपका ये जो ए लगा हुआ है वो समझ लीजिए बॉय के लिए लगा हुआ है, राइट. तो इस तरह से इसके आपके यूज़ हो गए, फ्यू अ फ्यू द फ्यू, लिटिल अ लिटिल द लिटिल. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसकी मदद से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे. थैंक यू सो मच.